हाय एवरीवन, तो आज हम बनाएंगे छोटे छोटे से चॉकलेट क्यूब, जिनके अंदर ना जो हर्शीज का चॉकलेट सिरप आता है हम वो डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने आइसिंग वाली ट्रे ली है और इसके अंदर डाल दिया है मेल्टेड चॉकलेट। मेल्टेड चॉकलेट को आपको बिल्कुल अच्छे से हर जगह फैला देना है। इसके बाद आपको इसको डाल देना है फ्रिज में ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। फिर आपको इसके अंदर जो हर्शीज का चॉकलेट सिरप आता है वो डाल देना है। उसके बाद आपको इसको फिर से चॉकलेट से कवर कर देना है। अब आपको इसको फ्रिज में रख देना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे सेट हो जाए। आपको इसे ना कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है और इसके बाद बिल्कुल आराम से इसे डीमोल्ड कर लेना है। और ये देखिए, हमारा एकदम चॉकलेटी क्यूब बनके रेडी हो चुका है। अब आप भी इसे घर पे जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना है कैसा लगा।